आरजू का कैरेक्टर है. आई थॉट इट वॉज समथिंग सो रिफ्रेशिंग एंड सो डिफरेंट. आई हैव ग्रोन अप ऑन अ डोज ऑफ 90s सिनेमा एंड उस टाइप की फिल्में और इस टाइप की डायलॉग बाजी आजकल नहीं देखी जाती है. सो जब आरजू का कैरेक्टर मुझे बताया गया, सो आई वॉज लाइक वाई नॉट, यू नो, आई गेट टू डू समथिंग विच इज सो एलिगेंट, यू नो, शी हैज अर ओन ग्रेस एंड लाइक ही सेड, वेन ही सेड मुकद्दर का सिकंदर रेखा, तो आई वॉज लाइक डन एंड आई एम सो हैप्पी विद यू नो द रोल. एंड इट्स आई रिमेंबर वन थिंग मिलाप टोल्ड मी, जो मैंने पहले भी कहा था, मेरी फिल्मों में हीरोज के भारी भरकम डायलॉग होते हैं, इस बार लड़की के हीरोइन के भारी भरकम डायलॉग्स होंगे. एंड दैट यू हैव सीन एंड देयर मेनी मोर इन द फिल्म. सो थैंक यू सो मच. इन दिस एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मरजावां हैज बीन वेरी वेरी अमेजिंग. मिलाप बिलीव्स इन द सिनेमा दैट वी ऑल ग्रो अप वाचिंग, कि एक हीरो हीरो की तरह चाहे एंट्री मारे या हीरो की तरह एक्शन करे या उसकी डायलॉग बाजी हो. सो आई पर्सनली ग्रो अप इन ऑन सिनेमा लाइक दिस एंड आई थिंक मुझे पहली बार आई थिंक इतने सालों में मौका मिला है ऐसा हीरो प्ले करने का. तो मैंने जब नरेशन सुना और मिलाप जी की नरेशन सुने, इनके डायलॉग सुने, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार करना चाहिए. मैं आई गॉट इंस्पायर्ड टू बिकम अ हीरो वॉचिंग बिग एक्शन हीरोज, यू नो, सेइंग डायलॉग्स, यू नो, डूइंग एक्शन होपफुली समवॉट लाइक दिस. एंड दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई एम प्लेइंग अ हीरो and being presented like one, all thanks to Milap and the whole team here on stage. So I'm pretty excited about Marjaavaan on 8th of November, guys, and with my partner in crime, Ritesh, who's slightly shorter this time, but equally powerful and double dose. So we're super excited to present you this film on 8th of November, guys. मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए. और सीधा और मिलाप को पता है कि उसके जिंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई है नहीं. जब आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा उसके सारे जो भी इनसिक्योरिटीज है उससे ऊपर उठकर इसे लगता ही नहीं कि ये 3 फुट का है. ये जब चलता है उसे लगता है कि सामने वाले सब इसके सामने 3 फुट के हैं. तो दैट्स हिज एटीट्यूड एंड एरोगेंस. और उसके वजह से उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्रूल्टी है, वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा. बट येस, आई लव द फैक्ट दैट ही डिडन्ट बॉदर के वो उसकी हाइट कम है. वो उसका एक एरोगेंस है, उसका एक स्वैग है और मिलाप जवेरी के डायलॉग्स है, वो काफ़ी है फिल्म करने के लिए. ये हम लोग ऐसे शूट करते थे. नहीं सर, तो आप जैसे जब आप खड़े होते हैं और मेरी आई लाइन क्या होती है, और सर नहीं नहीं मैं मारूंगा मर जाएगा. हाँ, तो ये कैसा लगता है देखो. और हाँ, और मेरी आई लाइन क्या थी, कमीनेपन की हाइट तो जानता नहीं है. कमल हसन साहब इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हिज परफॉर्मेंस, हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट. और इट्स जब हम ये कर रहे थे, ऑफकोर्स यू नो इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा. पर फॉर्चुनेटली यू नो मुझ में जो खामियां हैं एज एन एक्टर, वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है. एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिलाप ने इसको यू नो लिखा गया है, डायरेक्ट किया है, और इसके जो VFX है वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर. तारीफ की आदत नहीं है, बिकॉज सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज़्यादा मासी है और मसाला है और यू नो फिल्मी है. तो आई एम वेरी हैप्पी आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड नॉट दिस साइड. बट आपने जो बात कही है, ऑनेस्टली ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट्स वन ऑफ द ओनली एस्थेटिक शॉट्स यू टेकन इन दिस होल फिल्म. एंड देन आई सेड वन मोर थिंग, व्हाट, क्लोज अप क्यों नहीं लिया. और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहां रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया, मेरे पास एक लाइन आई है, लाइन बोल दो. मतलब कौन सी, मतलब लाइन बोल दे, आप बोलो. तो बोलता कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का सर. मेरा मानना है जिंदगी, हर किसी की जिंदगी में कोई राम है, कोई रावण है, यू नो देयर इज गुड एंड इविल इन एवरीवन. सो इन दिस फिल्म दैट इज अ सबटेक्स्ट ऑफ गुड वर्सेस इविल.
Raghu, his name in the film actually is one of the names of Lord Ram. So it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. What really drew me to Marjava and to Zoya's character is the fact that she's actually mute. So in the film, I actually learned sign language for a couple of months before the film, and I feel really lucky to have been able to learn something as universal as that. It helped me so much in the film, and I got so excited that I got to do something like that. It's something I'm actually going to use in my life wherever I travel and go to. But in the film, she communicates in sign language, and I think that's wonderful communication between her character and Raghu's character. I think that's what makes them fall in love, and it's beautiful, so I can't wait for everyone to watch it.